गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आप घर पे रहें, ज़्यादा बाहर बिना वजह ना जाएं। तो देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको जो है रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। और रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स या एनिमल का अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करना या प्रोड्यूस करने को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। वो पहला स्टेप था। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। चैप्टर का अगला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है जर्मिनेशन। ये देखिए जर्मिनेशन, तो ये पिक्चर मैं आपको भेज दूंगा। उस दिन मैंने आपको सीड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था। सीड स्ट्रक्चर, सीड्स मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन दो तरह के होते हैं, और सीड्स के ऊपर सीड का कवर होता है, जिसे सीड कोट कहते हैं। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या चीज़ होता है? जर्मिनेशन द प्रोसेस बाय विच ए सीड, सीड्स को सीड के ग्रो करने पर जो बेबी प्लांट बनता है, सीड के जब आपने मिट्टी में मान लो सीड्स को डाल दिया है और उसके बाद में वो बेबी प्लांट्स में छोटा सा प्लांट्स ग्रो कर रहा है, उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। अभी जर्मिनेशन इतनी जल्दी या आसानी से नहीं होता है, इसलिए कुछ कंडीशंस हैं। जर्मिनेशन होने के लिए मेन जो है तीन कंडीशंस हैं। अगर ये तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर नहीं होगी तो आपका जर्मिनेशन जो है नहीं होगा, आपका प्लांट जो है ग्रो नहीं करेगा, वो बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके लिए देखो तीन कंडीशंस है। सबसे पहले तो है हेल्दी सीड्स। हेल्दी सीड्स है ना, आपने जो भी सीड्स आप ले रहे हो वो हेल्दी होना चाहिए, वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। मान लो चूहे ने खा गए, चूहा उसे खा चुका है, या तो इस तरह का जो कटा फटा होगा या खोखला होगा तो वो सीड ग्रो नहीं करेगा। दूसरा है आप राइट सॉइल टाइप, आप उसके लिए जो प्रॉपर मिट्टी जो है, सॉइल जो है वो उसी की होनी चाहिए। जैसे मान लो कॉटन सीड के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, हर एक जगह की जो सॉइल होती है वो अलग अलग होती है, तो ऐसी सॉइल होनी चाहिए जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो जिसको ग्रो करने के लिए चाहिए। अगर अच्छी सॉइल नहीं होगी तो वो ग्रो अच्छे से नहीं करेगा, फिर हमें ऊपर से या एक्स्ट्रा हमें फिर उसके अंदर केमिकल्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अच्छी सॉइल, सूटेबल सॉइल होती है तो उसमें अच्छा सा ग्रो करते हैं प्लांट्स। नेक्स्ट है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट, वार्म्थ, ये भी उसे चाहिए होती है। अगर बेबी प्लांट्स को ग्रो करना है तो उसको प्रॉपर, अगर मान लो लाइट नहीं मिल रही है, प्रॉपर वाटर की सप्लाई नहीं हो रही है, तब भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप पहली बार सीड लगाते हैं तो उसकी देखभाल करनी होती है, सुबह और शाम के टाइम पे आपको उसको वाटर देना होता है, और सनलाइट भी प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है। अगर मान लो सीड्स अभी ग्रो नहीं किया है तो उसे वार्म्थ यानी गर्मी हट तो मिलनी ही चाहिए। वार्म्थ अगर गर्मी होगी उसी से वो ग्रो करता है। तो आज मैंने आपको जो है जर्मिनेशन के बताया। तो जर्मिनेशन क्या प्रोसेस है? जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक सीड जो है अपना सीड कोट को तोड़कर मिट्टी के अंदर होता है। ये सारा प्रोसेस जर्मिनेशन का प्रोसेस मिट्टी के अंदर होता है, फिर धीरे धीरे छोटा सा ग्रीन कलर का जो प्लांट्स है वो बाहर आता है, जिसकी एक दो लीव्स छोटी छोटी सी होती है, बेबी प्लांट्स जिसको कहते हैं। बहुत ही सुंदर दिखता है ये। आप भी कर सकते हैं। अभी जैसे मान लो सावन का सीजन है तो इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं अच्छे से, आप ही लगाइए, ठीक है। ओके एंड कीप वॉच माई वीडियो, और अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, और इसका आगे का होमवर्क मैं आपको रिटर्न में लिख के दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।